ये है सौरमंडल, सौरमंडल अर्थात सूर्य का मंडल अर्थात सूर्य का परिवार, और इस परिवार का जो मुखिया है वो सूर्य है और बाकी ग्रह जो है वो इस परिवार के सदस्य। आप एक इसको परिवार के रूप में भी ले सकते हो कि एक परिवार है उसका मुखिया जो है सूर्य है, बाकी ग्रह जो है उस परिवार के सदस्य। जैसे एक परिवार होता है और उसमें जो सदस्य होते हैं सबका व्यवहार अलग होता है, सबका नेचर अलग होता है, वैसे ही इन ग्रहों का प्रभाव और नेचर भी अलग अलग है और एक उसी तरह से प्रभावित करते हैं पृथ्वी और पृथ्वी पर रहने वाले प्राणियों को। देखिए सबसे पहले जो सूर्य है वो स्थिर पिंड है, सूर्य स्थिर है और बाकी ग्रह जो है पृथ्वी के साथ सूर्य के एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगा रहे हैं। सबसे पहले सूर्य के सबसे पहले जो कक्षा आती है वो है बुध की, सबसे नजदीक ग्रह जो है सूर्य के वो बुध है और बुध जो है वो एक राशि में लगभग लगभग 22 से 24 दिन तक रहता है और जब ये बकरी हो जाता है लगभग 45 से 50 दिन तक भी एक राशि में रह जाता है और उसके पश्चात जो है ग्रह आता है वीनस शुक्र। ये शुक्र और बुध जो है लगभग कुंडली में देखे जाते हैं एक सूर्य से एक राशि आगे या एक राशि पीछे हमेशा देखे जाते हैं, क्योंकि इनकी गति लगभग सूर्य के समान हो जाती है, क्योंकि ये बकरी हो जाते हैं कभी मार्गी हो जाते हैं तो इस क्रम से लगभग सूर्य के आगे पीछे रहते हैं। और उसके बाद जो कक्षा आती है वो है पृथ्वी की जहां पर हम रहते हैं, तो पृथ्वी भी सूर्य के एंटी क्लॉकवाइज जो है वो चक्कर लगा रही है। और पृथ्वी के बाद कक्षा आती है मंगल की, मार्स की। मंगल भी जो है सूर्य के चक्कर लगा रहा है एंटी क्लॉकवाइज। मंगल को वेदों में भूमि सूत भी कहा गया, ज्योतिष में भूमि पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। और देखिए एक चीज, हमारे वैज्ञानिकों ने जो है पृथ्वी से चंद्रमा की तरफ जाना अच्छा समझा और मंगल की तरफ जाना अच्छा समझा, तो पृथ्वी से नजदीक शुक्र भी पड़ता है, शुक्र की तरफ क्यों नहीं गए, क्योंकि इधर कुछ सूर्य है, सूर्य अर्थात आग का गोला एक गर्म तरफ हो जाती है, इसीलिए उन्होंने ठंडी तरफ जाना अच्छा समझा। अगर इधर हम जाते तो जल जाते, क्योंकि इधर जो है बहुत ज्यादा गर्म प्रभाव। और इसके बाद जो कक्षा आती है वो है बृहस्पति की, तो बृहस्पति जो है वो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और बृहस्पति के बहुत सारे उपग्रह हैं, उसमें से चार उपग्रह तो इतने बड़े हैं कि लगभग हमारे बुध ग्रह के से भी बड़ा है। जैसे कि इनके है आयो, यूरोपा, ग्रैनीमेड और कैलिस्टो। तो जो ग्रैनीमेड है वो लगभग बुध ग्रह से भी बड़ा है। और आखिर में जो कक्षा आती है वो है सैटर्न की, शनि की। शनि जो है वो दीर्घकालिक ग्रह है, मंद गति से चलने वाला ग्रह है। ये अपना जो है एक राशि का भोग लगभग 2.5 साल में करता है, एक राशि को पार करने में शनि को 2.5 वर्ष लग जाते हैं और 12 राशियों का भोग 30 साल में पूरा होता है। और इसके बाद जो ग्रहों की स्थिति है यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो। इंडियन एस्ट्रोलॉजी में यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो को यूज नहीं किया जाता, क्योंकि ये जो है दीर्घकालिक ग्रह हैं। ह्यूमन लाइफ जो है लगभग 100 साल की मानी गई है और यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो 12 राशियों का भोग करने में, 12 राशियों का एक चक्कर लगाने में 120 साल से लेकर के 300 साल तक लगा देते हैं। तो इसलिए हम इसको इंडियन एस्ट्रोलॉजी में यूज नहीं करते। इसका प्रयोग किया जा सकता है जैसे कोई कंट्री हो,
या मार्केट हो या कोई पॉलिटिकल पार्टी हो या भूकंप कब आएगा या सुनामी कब होगी, इस तरह की चीजों में इनका प्रयोग किया जा सकता है। और अब हम यहाँ पे चंद्रमा नहीं आए, मून नहीं आया और राहु और केतु, तो हम बात करेंगे इनकी। सर मैं पूछना चाह रहा था, ये जो यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो हैं, जी हेलो सर, दे आल्सो इफेक्ट ऑन हॉरोस्कोप, ये भी मतलब जन्म कुंडली पे इफेक्ट करते हैं क्या सर? देखिए, इनका इफेक्ट बहुत ना के बराबर होता है, क्योंकि ये हमारी ह्यूमन लाइफ लगभग 100 साल की मानी गई है और ये 12 राशियों का भोग लगाने में लगभग 120 साल से 300 साल तक लगा देते हैं, जिस कारण इनका प्रभाव जो है देखा नहीं जाता। अच्छा, तो ये यूरेनस, इस तरह एक बार बैक करेंगे वो वाली पे एक बार फर्स्ट लाइट पे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी, बताइए। हाँ, तो सर जो जो यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो है, तो जी जी तो इन्हें ग्रह नहीं मानेंगे, मतलब ये साथ ही ग्रह मानेंगे हम खाली? हाँ जी हाँ, मूल जो है वो हम साथ ही ग्रह मानते हैं। अच्छा, बाकी राहु और केतु जो है दो ग्रह मानते हैं, वो छाया ग्रह। अच्छा जी जी क्लियर क्लियर सर क्लियर जी। देखिए, ये है सूर्य जो है वो स्थिर है, पृथ्वी जो है अपने पथ पर सौर मंडल में सूर्य के चक्कर लगा रही है एंटी क्लॉकवाइज, और पृथ्वी के जो चक्कर लगा रहा है वो है चंद्रमा। चंद्रमा जो पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है वो भी एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगा रहा है, इसीलिए पृथ्वी पर सबसे अधिक प्रभाव जो है वो चंद्रमा का देखा जाता है। इसीलिए कोई भी राशिफल हो या जन्म राशि हो, हम हर चीज जो है वो चंद्रमा से देखते हैं, और चंद्रमा जो है वो मन का कारक है, और मन के बिना कोई भी काम किया नहीं जा सकता, आदमी कुछ भी नहीं कर सकता मन के। तो चंद्रमा जो है बहुत ज्यादा प्रभावी इसलिए हो जाता है क्योंकि चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है, और जहां पर पृथ्वी और चंद्रमा एक दूसरे को काट रहे हैं वहां पर हमने दो काल्पनिक बिंदु, दो काल्पनिक जिसको एक दक्षिणी नोड और उत्तरी नोड कहते हैं, इनको संपात बिंदु भी बोलते हैं ज्योतिष में, तो इनका जो है जहां से चंद्रमा ऊपर की ओर जाता हुआ दिखाई देता है वो है राहु, और जहां से चंद्रमा नीचे की ओर आता हुआ दिखाई देता है वो है केतु। और राहु और केतु इतने अधिक इफेक्टिव इसलिए हो जाते हैं क्योंकि चंद्रमा है मन का कारक, और चंद्रमा को प्रभावित करने वाले ग्रह राहु और केतु हैं, क्योंकि चंद्रमा जो है बहुत तीव्र गति से चलने वाला ग्रह है, लगभग 2.25 दिन में एक राशि को पार कर लेता है और एक मंथ में 12 राशियों का भोग कर लेता है। तो हर महीने जो है चंद्रमा को राहु की राशि से होके गुजरना पड़ता है, और राहु जो है मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है, चंद्रमा को पीड़ित करता है, और जब भी सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, राहु और केतु एक सीध में हो जाते हैं तो एक ग्रहण की स्थिति बनाते हैं, तो इसी कारण जो है ग्रहण की स्थिति बनती है। मतलब सर, चंद्रमा, राहु, केतु, ये तीनों एक सीध में हो जाते हैं तब? जी नहीं सर, देखिए, सूर्य और पृथ्वी और चंद्रमा और राहु या केतु दोनों में से एक, जब भी ये एक सीध में आते हैं तो ग्रहण की स्थिति बनती है। ये है क्रांति वृत्त, इसको जो है सेलेस्टर स्फीयर बोलते हैं, आप इसको ब्रह्मांड मान सकते हो, ये ब्रह्मांड है, ये पूरा के पूरा ब्रह्मांड है, और ये जो क और ख रेखा है, ए और बी जो ये रेखा है,
ये जो है विषुवत वृत्त है, इसको इक्वेटर लाइन भी कहते हैं। तो इक्वेटर लाइन है ये, इस ब्रह्मांड को दो समान भागों में विभाजित कर रही है, दो समान भागों में काट रही है। और ठीक इस रेखा के 9 डिग्री ऊपर और 9 डिग्री नीचे जो है एक जोडियक है, भ चक्र, जो एक काल्पनिक पट्टी है। इसको आप साधारण शब्दों में अगर समझो तो ये जो इस जो ये भ चक्र है, इसकी जो सबसे नीचे वाली लाइन है, जो हमने सौर मंडल का विचार किया, आप इसको सौर मंडल मान सकते हो। और जो ये काल्पनिक पट्टी है, ये जो है 360 डिग्री की है। और इसमें जो है जैसे कि ग्रह हैं, और ग्रहों के ऊपर जो है वो तारे हैं बहुत से, और जो तारे हैं उन्हीं को ही हमने इसको भ चक्र माना है। और वो जो तारे हैं, जो प्राचीन ऋषि मुनियों ने क्या किया कि वो जो तारे थे उनका उनको नक्षत्रों में विभाजित कर दिया, 27 नक्षत्रों में। तो इस भ चक्र में जो है वो 27 नक्षत्रों की गणना उन्होंने कर दी। जैसे जैसे तारे बने और उस तरह से उन्होंने 27 नक्षत्रों का निर्माण कर दिया। फिर भी 9 ग्रह थे और 27 नक्षत्र, फिर भी ज्योतिष को समझने में कठिनता थी, तो इसलिए उन्होंने उसको और सरल करने के लिए इस भ चक्र के जो है 12 हिस्सों में इसको विभक्त कर दिया, इसको 12 हिस्सों में उन्होंने बांट दिया। तो 12 हिस्सों में जब इसको बांटा तो ये पूरा के पूरा भ चक्र जो है वो 360 डिग्री का है। तो जब इसके 12 हिस्से किए गए तो एक हिस्सा जो है वो 30 डिग्री का हुआ, इसका एक हिस्सा 30 डिग्री का हो गया, और वैसे ही 12 हिस्से जोड़ के 360 डिग्री बनता है। तो वो जो 30 डिग्री हुआ, इसीलिए 30 डिग्री की एक राशि होती है। तो ये जो है वो राशि होगी, जो 12 हिस्से किए वो 12 राशियां हैं। और इसी तरह से राशि एक नक्षत्र जो है वो 27 नक्षत्र थे, तो एक नक्षत्र जो है वो 13 डिग्री 20 कला का हो गया। और एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, एक नक्षत्र के 4 चरण। स्लाइड शायद आगे बढ़ानी पड़ेगी आपको, ये क्रांति व्रत पे ही अटकी है स्लाइड, क्रांति वृत्त पे। हाँ, क्रांति वृत्त का ही वो बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो इसी का ही बता रहा हूँ, जैसे कि ये भ चक्र है ना जी सर, ये जो भ चक्र है इसके जो 12 हिस्से हैं इसको राशि कहते हैं, जो 12 राशियों को ही 12 समान भागों में बांटा गया, मतलब ये ग्लोब को पूरे वो। जी जी जी, देखिए पहले जैसे मैंने बताया कि ये जो थे, जैसे हमारा सौर मंडल है, और सौर मंडल के बाद जो है वो तारे हैं, केवल तारे। और जैसे के उन ऋषि मुनियों ने क्या किया कि वो जो तारे थे इस नक्षत्रों में बांट दिए, वैसे ही सौर मंडल के, जैसे सौर मंडल का एक चक्कर सूर्य का पूरा होता है उसको उसी में उसी क्रम में, और वो जो है वो 360 डिग्री का होता है। तो इसको 12 समान, पहले तो 27 भागों में बांट दिया, तो वो 27 नक्षत्र इसमें आ गए। और फिर क्या किया उसको और सूक्ष्म करने के लिए और छोटा करने के लिए, कि चीजें ज्यादा क्लियर हो जाए और जल्दी उसमें थोड़ी, जैसे कि 27 नक्षत्र थे और नौ ग्रह थे तो समझना थोड़ा मुश्किल था। तो जब 12 राशियों में को बदल दिया, 27 नक्षत्रों को 12 राशियों में बदल दिया, कि जो 360 डिग्री का भ चक्र था उसके 12 हिस्से कर दिए, और एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते। फिर क्या हुआ कि देखो 27 नक्षत्र हैं, 12 है राशियां, तो 12 को डबल कर दिया तो 24 नक्षत्र, 2-2 नक्षत्र एक राशि में हो गए।
फिर हमारे पास तीन नक्षत्र बच गए। तो प्रत्येक जो हर नक्षत्र है, प्रत्येक नक्षत्र है उसमें चार चरण होते हैं, तो तीन नक्षत्र में कितने हुए, 12 चरण हो गए। तो फिर एक एक चरण और राशि को दे दिया गया, तो सवा इसीलिए सवा दो नक्षत्र की एक राशि मानी जाती है। और फिर 27 नक्षत्र उन्हीं राशियों में, 12 राशियों में आ गए। तो जो एक नक्षत्र के चार चरण हैं, तो उसमें जो एक चरण है उसका जो मान होता है वो होता है 3 डिग्री 20 कला। और एक पर ये नक्षत्र, कला क्या होता है सर? कला क्या होता है? डिग्री तो समझ में आ रहा है, कला जी क्या जी होता है? जी कला संस्कृत में वो रहता है, वैसे इसको आप मिंट बोल सकते हो कला। मिनट। जी, मिनट में वो कर सकते ओके समझने के लिए। तो जैसे कि 3 डिग्री 20 कला का जो है एक चरण हुआ नक्षत्र का, और अगर 3 डिग्री 20 कला को हम मिलाते हैं तो 3 डिग्री 20 कला, 3 डिग्री 20 कला 46, और 46 में 3 डिग्री 20 कला और जोड़ा तो 10 हो गया। तो 10 में फिर से 3 डिग्री 20 कला हमने जोड़ा तो 13 डिग्री 20 कला का एक नक्षत्र हो गया। तो वैसे ही हमने फिर दो नक्षत्र इकट्ठे कर दिए तो 13 20 और 13 20 कितने हो गए, 26 40। और फिर हमने एक नक्षत्र का एक चरण और लिया है तो फिर कितने हो गए, पूरे 30 डिग्री। तो इसीलिए जो एक राशि है वो 30 डिग्री की मानी जाती है। क्लियर हुआ कि डाउट है कहीं पे? सर बोर्ड पे एक बार ड्रॉ करके लिख के वैसे समझाइए सर, तो थोड़ा समझ में आएगा, वो ओरली समझ में नहीं आ रहा है थोड़ा। जी, ठीक है। फिर उस तरह से इसको थोड़ा सा विषय ऐसे थोड़ा सा इसको फिर या तो कल समझाता हूँ विस्तार से बना के बिल्कुल पूरा वो करके। कल समझा दीजिए सर। जी, वैसे एक बार फिर से थोड़ा सा वो कर लीजिए। जैसे कि ये जो है भ चक्र है, हमने केवल ये माना जो सौर मंडल है, सौर मंडल से ऊपर तारे हैं, और जो तारे हैं उनको हमने नक्षत्र मान लिया, 27 नक्षत्रों मान के उनको, जो तारे थे सौर मंडल के चारों तरफ उनको हमने 27 नक्षत्र मान लिए। और फिर उनको और सूक्ष्म करने के लिए उस भर चक्कर के जो है, जो 360 डिग्री का था, उसके 12 हिस्से कर दिए। तो जो वो 12 हिस्से किए वो 12 राशियां हो गई, और जो नक्षत्र थे वो इन्हीं 12 राशियों में डिवाइड हो गए। तो इसीलिए जो मेष राशि है वो अश्विनी नक्षत्र, भरणी नक्षत्र और कृतिका नक्षत्र का प्रथम चरण जो है वो मेष राशि में आता है। ये जन्म पत्री जो है, जन्म पत्री के अलग अलग प्रकार है। जैसे कि हमारे नॉर्थ इंडियन स्टाइल जो है उसमें क्या रहता है कि भाव जो है वो हमारे स्थिर रहते हैं, हाउसेस जो है वो स्थिर है, और जो राशियां हैं वो स्थिर नहीं होती।
जैसे कि ये 12 भाव है, फर्स्ट हाउस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, इलेवंथ, ट्वेल्थ। तो इस तरह से जो 12 भाव है ये स्थिर है, भावों की संज्ञा जो है वो स्थिर है, राशियां जो है वो स्थिर नहीं है। जैसे कि वहां पे भी सेम वैसे ही बनाया गया जैसे कि सौर मंडल था, सौर मंडल में ग्रह और राशियां जो है ऊपर जो है घूम रहे हैं, उसी तरह से ग्रह जो है मेष राशि में जाता है, वृष में जाता है, मिथुन में जाता है, उसी तरह से ग्रह घूमते रहते हैं और भाव जो है वो स्थिर रहता है। और भावों की अपनी संज्ञा है, इनका अपना विचार है कि किस भाव से किस चीज का विचार किया जाता है। तो ये जो था हमारा नॉर्थ इंडियन स्टाइल था, और इसी क्रम में साउथ इंडियन स्टाइल इस तरह से रहता है। इसमें क्या होता है कि सर, आई हैव अ क्वेश्चन सर, मैं ये पूछना चाह रहा था, मतलब ये जो भाव आपने बताया, ये भाव हमेशा फिक्स रहेंगे, मतलब ये कभी भी चेंज इधर उधर नहीं होंगे? हाँ बिल्कुल, ये भाव कभी भी चेंज नहीं होंगे। इनका भाव जो है, भावों का अपना फल है, इनसे विचार किया जाता है किस भाव से किस चीज का विचार किया जाता है, ये मतलब फिक्स्ड है, ये फिक्स है। हाँ जी। और ये जो 1, 2, 3 लिखा है ये क्या है? जी जी, ये राशियां हैं। अच्छा, राशियां। हाँ ये राशियां हैं, ये जरूरी नहीं है यहाँ पे फर्स्ट है, सेकंड है, यहाँ पे फोर्थ भी हो सकती है और सेवन सेवन भी हो सकती है, यहाँ पे कोई भी राशि हो सकती है। ओके। फर्स्ट हाउस जो है वो लग्न है, तो लग्न में कोई भी राशि हो सकती है, ये लग्न है। ओके जी। तो इस तरह से ये है साउथ इंडियन स्टाइल। इसमें थोड़ा अलग है, इसमें क्या है कि राशियां फिक्स होती हैं और भाव फिक्स नहीं होते। और जैसे कि सिंह लग्न बताया गया, तो इसमें क्या रहता है कि हमारे जो नॉर्थ इंडियन स्टाइल है इसमें हम एंटी क्लॉक वाइज ही हमारे ग्रह और राशियां हम गणना करते हैं, जो भी हम देखते हैं वो एंटी क्लॉक वाइज इधर से ही देखते हैं। हम फर्स्ट हाउस इसको मानते हैं और सेकंड हाउस इसको मानते हैं, पर इनका ऐसा नहीं है। इनका क्या है कि ये फर्स्ट हाउस इसको मानते हैं और सेकंड हाउस इसको मानते हैं और थर्ड हाउस इसको मानते हैं। तो किसको सर, एक बार कर्सर से दिखाइए। जी ऐसे सर, एक बार कर्सर दिख नहीं रहा है आपका स्क्रीन पे। हाँ अब लेके आइए। देखिए जैसे ये है, पहले देखिए जैसे ये हमारा है नॉर्थ इंडियन स्टाइल, इसमें क्या है कि फर्स्ट हाउस है, यहाँ पे कोई भी राशि हो सकती है, इसमें लिब्रा हो सकती है, लियो हो सकती है, कोई भी राशि हो सकती है यहाँ। और भाव जो है इसमें फिक्स रहते हैं, पर हम जो जब भी गणना करेंगे तो हम फर्स्ट हाउस इसको मानेंगे और सेकंड हाउस इसको मानेंगे, थर्ड हाउस इसको मानेंगे, फोर्थ हाउस इसको मानेंगे, और इस तरह से ही हम 12 भाव हमारे यहाँ तक पूरे होंगे। ये पहला भाव है फर्स्ट हाउस है और ये ट्वेल्थ हाउस। और इनका जो साउथ इंडियन जो स्टाइल है इसमें क्या है, जो है राशियां इनकी फिक्स है, इनकी यहाँ पे मेष राशि है तो मेष राशि ही रहेगी, और इसी क्रम में ये हमसे उल्टा चलते हैं हम जो है। इनका मतलब कहाँ से स्टार्ट होता है, मतलब ये कैसे पता चलेगा इनका यहाँ से, इनकी जो है वो राशियां फिक्स है। ये देखो यहाँ से स्टार्ट है मेष राशि, सेकंड नंबर से। जी जी सेकंड नंबर से यहाँ से है, तो इन्होंने तो इनका ये फिक्स है। अच्छा सर, तो इन्होंने सिंह को यहाँ पे लग्न क्यों लिख दिया फिर? जी जी हाँ, तो इनका जो है वो भाव फिक्स नहीं है। अच्छा, भाव जो है वो आगे पीछे हो सकते हैं इनके। अच्छा, भाव आगे पीछे हो जाएंगे इनके। जी जी, हमारा जो है हमारे भाव फिक्स हैं, राशियां फिक्स नहीं है, पर इनका ऐसा नहीं है, इनके भाव फिक्स है, इनके राशियां फिक्स है, भाव फिक्स नहीं है। ये किसी भी राशि को लग्न भाव बता सकते हैं सर, मतलब कोई भी भाव बता सकते हैं? जी जी नहीं, इसको लगन नहीं, लगन इनका यहाँ से शुरू होगा।
लग्न एक ही रहेगा, बस राशियां भी वही रहेंगी, भाव चेंज हो जाएगा। जी, भाव चेंज हो प्रथमेश जाए। द्वितीयेश कोई भी कर सकते हैं ये जी जी प्रथम। जैसे जैसे माना कि आपका जो है सेजिटेरियस राशि है, तो यहाँ पे रहेगा आपका लग्न, यहाँ पे माना जाएगा। जो राशि होगी उसी वही भाव होगा, जी, बिल्कुल। जिस कुंडली की राशि देखेंगे, जैसे मेरी वृश्चिक है तो फिर वो लग्न भाव वृश्चिक होगा, हाँ, तो आपका लग्न भाव यहाँ से देखेंगे, वृश्चिक वृश्चिक से यहाँ से स्टार्ट होगा। होगा। ठीक। जी।